अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना। आज बनाऊंगी कद्दू का रायता। नमक लिया है मैंने 1 चम्मच, काली मिर्च लिए 1 चम्मच, देसी घी लिया है 4 चम्मच, जीरा लिया 1 चम्मच, कद्दू है मेरे पास 1 पाव, दही लिए मैंने आधा किलो। पहले मैं कद्दू को बॉईल कर लूंगी। एक पैन लिया मैंने, फ्लेम ऑन कर दिया। डालूंगी इसके अंदर कद्दू। अब डाल दूंगी पानी, फ्लेम लो कर दूंगी। पानी डालकर मैं इसे ढक दूंगी और कद्दू को गला लूंगी। कद्दू बॉय हो चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है। फ्लेम बंद कर दूंगी। अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर से मैश कर लूंगी कद्दू को। कद्दू को मैंने हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से मैश कर लिया। कद्दू अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब मैं एक बड़ा बाउल ले लूंगी, इसके अंदर डाल दूंगी दही। दही मैंने डाल दिया बाउल के अंदर। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर कद्दू बॉइल किया हुआ। मैं डाल दूंगी इसके अंदर काली मिर्चें और नमक डाल दूंगी। इसके अंदर से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए देसी घी डाला है मैंने पैन के अंदर 3-4 चम्मच। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर जीरा, इसे हल्का सा फ्राई कर लूंगी। जीरे को घी के अंदर मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। अब मैं डालूंगी इसे रायते के अंदर। अब इसे मिक्स कर दूंगी। कद्दू का रायता रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। अगर आप लोग चाहें इसके ऊपर टमाटर, प्याज, धनिया वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये ऐसे ही बनता है, सिंपल तरीके से, बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।